हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं अपनी बाइक की मॉडिफिकेशंस कवर करने वाला हूँ, जो जो मैं नॉर्मली अपनी बाइक में करवाया है। तो चलते हैं और बाइक पे। अब तो बेसिक जो सबसे मेन मॉडिफिकेशन जो मैंने करवाई है अपनी बाइक में, मैंने इसको पूरा 3D कार्बन रैप करा हुआ है पूरी पूरी बाइक। पहले मैंने बस हेडेड पर करवाया था, अब मैंने पूरी बाइक को 3D कार्बन रैप करा रखा है। ये सारा जितना भी हो रखा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये पूरा पूरा 3D कार्बन रैप है जो मैंने करवाया है अपनी बाइक में। और ये देखने में बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है मेरी बाइक को। और जिसको बाइकिंग की नॉलेज है और उन सबको पता होता है कि जो कार्बन फाइबर होता है वो कितना एक्सपेंसिव होता है और उसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये स्टील की तरह तो स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत लाइट वेट भी होता है। जितनी सारी सुपर बाइक्स होती हैं सब में कार्बन फाइबर होता है, तो उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने इस पर पूरा रैप कराया है। और दूसरी चीज़ करवाई है मैंने, जो ये मैंने क्रैश गार्ड्स बाइक में लगवाए हैं जो MT में नहीं आते हैं, तो सेफ्टी भी ज़रूरी है, पैर नहीं तोड़वाने हैं अपने। नॉर्मल क्या कहते हैं, जो लेग गार्ड होते हैं जो 500 to 1100 के होते हैं, वो मेरे को इतने खास नहीं लगते। पहले मैंने लगवाए थे, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और वो निकल के गिर जाते हैं। तो उसके बाद मैंने ये पूरा फ्रेम लगवाया था प्रोटेक्शन के लिए, और ये काफ़ी अच्छा भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। दूसरा चेंज जो मैंने करवाया, इसमें मैंने टैंक पैड लगवाया था, टैंक पैड प्लस थाई पैड, ये पूरा का पूरा कवर कर लेता है और ये देखने में बहुत ही सेक्सी लगता है, और इससे बाइक की लुक भी इन्हेंस हो जाती है। और दूसरा जो लुक, दूसरी चीज़ जो मैंने चेंज करवाई है इसमें LED इंडिकेटर्स लगवाए हैं मैंने, ये LED इंडिकेटर्स लगवाए हैं, जला के दिखा दूँ, क्योंकि अब जो लेटेस्ट बाइक है MT15 23 एडिशन, उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी है, USD फॉक्स भी हैं। ये मेरा 2019 एडिशन है। तो पहले इस बाइक में नहीं आता था, अब जो नई वाली MT है उसमें सब कुछ दे रहे हैं। जो मॉडिफिकेशन कराया है यहाँ पे मैंने, ये रिंग लाइट लगवाई है यहाँ पे, जो देख सकते हो रेड कलर की रिंग लाइट है, जो बहुत ही देखने में इस बाइक का लुक इन्हेंस कर देती है। और ये मैंने डेविल आइज बनवा रखी हैं, बना हुआ है बाइक का। और मैंने बाइक के हैंडल बार्स में ये लीवर प्रोटेक्टर्स लगवा रखे हैं, जो बाइक की मैचिंग के अकॉर्डिंग मैंने कार्बन फिनिश में लिए थे, जो एकदम इसको सूट कर जाते हैं देखने में। और यहाँ पे मैंने ये MT का लोगो लगवा रखा है जो आता है। और अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बाइक में टॉप रैक इंस्टॉल करवाया था, क्योंकि अभी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं आगे के लिए, तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है। और ये इससे जो है ना, मैं बाइक का लुक, इससे सीट जो है इसकी हमेशा से कंप्लेन रहती है कि सीट छोटी है इस बाइक की, तो इससे थोड़ी सीट बढ़ जाती है, अगर कोई पिलियन बैठता तो उसका इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी चीज़ जो मैंने लगवाई है इसमें, तो इस बाइक में मैंने अपाचे RTR 200 का मैंने मड गार्ड लगवाया था, क्योंकि जिस बाइक का स्टॉक मड गार्ड है वो इतना है बस, जो मड गार्ड के नाम पर कुछ नहीं है, उस वो मड को बिल्कुल भी नहीं रोकता है, तो इसलिए मैंने इसमें ये इंस्टॉल करवाया था। दूसरी चीज़ मैंने क्या करवाई है, ये एग्जॉस्ट की जो टिप थी इसको मैंने पूरा ही ब्लैक करवा दिया, जो देखने में बिल्कुल जैसा लगे, क्योंकि सिल्वर आती है। ये मैंने चेंजेस अपनी बाइक में करवाए हैं। और फ़ोन के लिए मैंने ये येलो फिन का फ़ोन होल्डर मंगवाया था, जो बाइक के कलर के अकॉर्डिंग, के कलर के अकॉर्डिंग मैंने ये रेड कलर का ही मंगवाया था, और इसी को मैंने इसमें इंस्टॉल करवाया है। और हैज़ार्ड्स लगवा रखे हैं मैंने चेंजेस के लिए, जो नॉर्मली सब लोग बाइक में लगवाते हैं। तो ये थे चेंजेस जो मैंने अपनी बाइक में करवाए हैं, और होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।